हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आप सभी के लिए अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की तरफ से। फाइनली यहां पे टेक्नीशियन ए की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है गाइस, आप सभी के लिए अच्छी खबर है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी आईटीआई एजुकेशन वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। देन आप सभी आईटीआई सरकारी नौकरी से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा जो कि टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइस। इस डिपार्टमेंट से हर साल वैकेंसी निकलता है। ये जो डिपार्टमेंट है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, यानी किसको हम लोग शॉर्ट में NCSM बोलते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है गाइस। बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है गाइस, न्यू वैकेंसी निकाली गई यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनका ऑफिस कहाँ पे, कोलकाता में। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग का रहने वाला है 2/2023 गाइस। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पोस्ट है, तो मैं मेनली रूप से आईटी वालों की बात करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर 3 पे टेक्नीशियन ए, तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं सभी जगह सीट बांट दिया गया है। तो देखिए टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट देख रहे हैं, ये यहाँ के लिए कहाँ पे के लिए है, तो ये सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में। फिर 2 जो पोस्ट है ये कहाँ के लिए है, तो ये रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर के लिए है। फिर 5 जो पोस्ट है ये है नॉर्थ ईस्ट जोन एंड रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी के लिए है। और यहाँ पे सामने में देख रहे हैं ये सभी कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। वहीं पे 2 पोस्ट है ये आप लोग का साइंस सिटी कोलकाता के लिए है, 1 जो पोस्ट है ये है रीजनल साइंस सिटी लखनऊ के लिए है। और यहाँ पर आप लोग का कैटेगरी बता दिया है गाइज, नीचे में बताया गया है कौन कौन सा ट्रेड के लिए है, कौन कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो मैं नीचे पेज को स्क्रॉल कर लेता हूँ, बाकी यहाँ पर और भी अदर क्वालिफिकेशन के लिए है ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए है। तो पहला जो सीरियल नंबर 1 पे देख रहे होंगे यहाँ पे टेक्नीशियन है, तो ये जो है एट सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में। तो टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट मैंने भी दिखाया था, जिसमें रीजन में 2 और SC में 3। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड वाइज देखिएगा तो कारपेंटर में 1 पोस्ट है, फिटर में 2 है, ड्राफ्टमैन में 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है। उसी तरह सीरियल नंबर 2 पे देख रहे होंगे ये है आप लोग का रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर में। तो यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है अनरिजर्व में, और यहाँ पे कारपेंटर में 1 सीट है और फिटर में 1 सीट है। वहीं पे सीरियल नंबर 3 पे देख रहे होंगे ये रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट जोन कोलकाता के लिए है। टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट है, जिसमें OBC में 2 है और अनरिजर्व में 3 है। और ट्रेड वाइज देखिएगा तो फिटर में 2 है, कारपेंटर में 2 है और इलेक्ट्रीशियन में 1 है। उसी तरह गाइज यहाँ पे सीरियल नंबर 4 पे देख रहे होंगे ये साइंस सिटी कोलकाता के लिए है। टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट है, अनरिजर्व में 1 और EWS में 1, जिसमें से ट्रेड वाइज देखिएगा तो कारपेंटर में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में 1 पोस्ट है गाइज, 1-1 पोस्ट है। उसी तरह लास्ट में जो है आप लोग का रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ में टोटल यहाँ पे 1 पोस्ट है अनरिजर्व में, और कारपेंटर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है गाइज। तो ये हो गया आप लोग का ट्रेड और यहाँ पे कहाँ कहाँ पे जो पोस्ट है वो बता दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे मैं बात करूँ सैलरी की, तो यहाँ पे टोटल सैलरी बता दिया गया है कि 34,725 रुपया मिलेगा। लेवल 2 का सैलरी है, 1900 बेसिक पे बनेगा, अप्रोक्सीमेटली इतना हम लोग को बन जाएगा गाइज। और यहाँ पे अलग अलग सिटी वाइज भी बता दिया गया है कि कोलकाता में अगर पोस्टिंग होगा तो 32,304 मिलेगा, भुवनेश्वर में होगा तो 35,294 मिलेगा, अगर आप लोग का गुवाहाटी में होगा तो इतना आप लोग को यहाँ पर मिलेगा गाइज, 32,304। सैलरी ठीक ठाक है, लेवल 2 का सैलरी है, मान लीजिए 35 सैलरी बनेगा गाइस। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहां पे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिएगा। एक तो आप लोग का मैट्रिक पास रहना चाहिए और आईटीए पास रहना चाहिए गाइस, आप लोग का आईटीआई पास रहना चाहिए गाइज यहाँ पे देख सकते हैं। और जो जो ट्रेड है वो ट्रेड में आप लोग आईटी रहना चाहिए। जिनका 2 साल का आईटीआई कोर्स होता है उनको यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, और ये जो एक्सपीरियंस रहना चाहिए या आईटीआई होने के बाद में आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। 2 साल का आईटीआई ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इनको यहाँ पे यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस शो करना होगा। और जिन कैंडिडेट का 1 साल का आईटीआई है यानी कि 1 साल का आईटीआई, उनको 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस शो करना होगा यानी कि देना होगा। तो ये है यहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। सिंपली आप लोग को फ्रेशर है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन से फिटर्स हैं जिनका 2 साल का आईटीआई, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। जिनका 1 साल का आईटीआई उनको 2 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। साफ साफ यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है फॉर कैंडिडेट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर रिलीवेंट
एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड। साफ साफ यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया गया है, जो मैं आप लोगों को हिंदी में बता दिया हूँ। जिनका 2 साल का ITI है उनको 1 साल का सर्टिफिकेट लगे, 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, और जिनका 1 साल का ITI कोर्स है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा गाइस। और ITI कौन कौन सा ट्रेड में रहना चाहिए, यहाँ पे जो जो ट्रेड मेंशन है उस ट्रेड में रहना चाहिए यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे कारपेंटरी हो गया, फिटर है, ड्राफ्टमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिशियन में आप लोग का यहाँ पे ITI रहना चाहिए गाइस। ये हो गया आप लोग का क्वालिफिकेशन। अपर एज लिमिट की बात करूँ तो 35 साल रहना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को एज में छूट मिल जाएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे इस वाले नोटिफिकेशन में ये तो नहीं बताया गया कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन एज पर माई भी रिटन टेस्ट आप लोग का होगा, एज हो सके तो ये स्किल टेस्ट भी ले सकता है, लेकिन इसमें नहीं बताया गया है। मैं आप लोग को ये इसमें फीस बताया गया है कितना फीस लग रहा है। फीस थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, टोटल 885 रुपया फीस पेमेंट करना होगा, 750 प्लस GST 18% 135 रुपया। और जो कैंडिडेट SC ST PWBD एक्स सर्विस मैन और वुमेन है उनको यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये फॉर्म आप लोग भर पाएंगे, इसका जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का वो है 27 मार्च 2023 तक फॉर्म भर पाएंगे, और फीस भी पेमेंट कर पाएंगे 27 मार्च 2023 तक। तो गाइस ये नोटिफिकेशन आ गया है NCSM कोलकाता की तरफ से। तो जो कैंडिडेट के पास में ITI होल्डर है और 10वीं के साथ में और 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल और ट्रेड के लिए जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर जिनका है, और 1 साल का मतलब कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कीजिएगा। और जिनका 1 साल का ITI है और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा गाइज। इसमें यही है कि एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे गाइज। तो आप सभी के लिए यही एक छोटा सा अच्छी खबर था। बाद बाकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप सभी ITI एजुकेशन वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वहीं से आप लोग आवेदन को ऑनलाइन कर पाएंगे।